स्वप्न में मार्गदर्शन। साठे को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। मित्र की सलाह पर वे शिरडी साईं धाम आ गए। साईं दर्शन से बेचैन मन कुछ शांत हुआ। साईं ने आदेश दिया, गुरु चरित्र का पाठ करो, सप्ताह में पूरी पुस्तक पूर्ण हो। साठे ने ऐसा किया। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटित हुई। साईं स्वप्न में पधारे और साठे को मार्गदर्शन दिया। तो आइए, साईं ने साठे को स्वप्न में मार्गदर्शन दिया, इसका गायन और पारायण करते हैं। साठे को व्यापार में लगा बड़ा नुकसान, जीवन नीरस हो गया, भीखा हुआ जहान। उनको घर परिवार का रहा न अब व्यामोह, अरुचि हुई संसार से, टूटा सारा मोह। साठे के मन में उठा ऐसा एक विचार, सबसे अच्छा त्याग दे अब अपना घर बार, किसी तीर्थ स्थान में जाकर करें प्रवास, पहुँच कहीं एकांत में कर ले स्थिर आवास। मुश्किल घड़ियां सामने, बिगड़े थे हालात, निज मित्रों के सामने रख दी मन की बात। एक दोस्त ने ये कहा, जाओ शिरडी धाम, साईं आशीर्वाद से बनते बिगड़े काम। साठे ने निज मित्र का माना नेक सुझाव, पहली पहली बार वो पहुँचे शिरडी गाँव। दर्शन साईं के किए, रखा चरण में शीश, साईं कृपा दृष्टि का मिला उन्हें आशीष। बैठे जब वे पास में, तृप्त हुए दोनों, शांत हुआ बेचैन मन, मिला हृदय को चैन। साईं बोले, नित्य कर गुरु चरित्र का पाठ, पूरा करने में लगे 7 दिवस या 8। साईं के आदेश से पाठ हुआ प्रारंभ, साठे जीवन में जुड़ा एक नया स्तंभ। साठे ने दिन 7 तक पढ़ा ठीक से ग्रंथ, प्यासे राही को मिला भोजन पानी पंथ। पूर्ण हुआ जब ग्रंथ तो हुई अनोखी बात, साईं आए स्वप्न में तब थी आधी रात। सम्मुख साईं थे स्वयं, कर में पोथी था, साठे को आवाज दी लेकर उसका नाम। साठे बैठे सामने, जोड़े दोनों हाथ, अर्थ बताया ग्रंथ का, जय हो साईं नाथ। साईं वाणी स्वप्न की, शब्दों में था सार, इस जीवन के लक्ष्य की व्याख्या का विस्तार। साठे ने आदर सहित किया वचन पर गौर, धर्म नीति पर जो चले, मिले उसी को ठौर। गुरु आज्ञा में जो चले, काटे भव की डोर, साईं वचनों से हुए साठे भाव विभोर। स्वप्न दृश्य के बाद में नींद हो गई भंग, साठे ने दिन 7 में देखा साईं रंग। उत्सुकता मन में जगी, देख दृश्य परिवेश, क्या कहना वे चाहते ज्ञात करें आदेश। फिर उसके अनुसार ही आगे होगा कार्य, जो साईं आदेश हो पालन है अनिवार्य। काका दीक्षित से कही साठे ने यह बात, उनकी खातिर वे करें साईं इच्छा ज्ञात। दीक्षित मस्जिद में गए, बैठे साईं पास,
बोले अवसर देख कर लेकर मुख पर हास, सपना देते आप हैं हम हैं मूढ़ अबोध, बाबा पथ दर्शन करें दे साठे को बोध। हम दोनों आए यहाँ चलकर मस्जिद द्वार, आगे आप बताइए क्या करना सरकार, साईं बोले प्रेम से हो जा फिर तैयार, गुरु चरित्र के पाठ को करो पुनः एक बार, पारायण से ही बढ़े श्रद्धा भक्ति अपार, चंचल मन को शांत कर देता कलुष पखार, गुरु चरित्र के पाठ से होते ईश प्रसन्न, ज्ञान पुंज से शीघ्र ही छटता तम आछन्न, भव बंधन को काटता गुरु चरित्र का ज्ञान, तत्व ज्ञान का बोध है अमृत रस का पान, इस पोथी के पाठ से साठे का कल्याण, निश्चित होगा एक दिन इसे चिरंतन मान, मस्जिद में थी हो रही जब यह सारी बात, बैठे थे हिमाड़ भी साईं के उपपात, मन मानस है माड़ के औंधा एक खयाल, अद्भुत रीति साईं की यह तो हुआ कमाल। साठे का दिन साथ में सार्थक सफल प्रयास, 40 वर्षों में मेरी हुई न पूरी आस, ना जाने आशीष से कब भर पाएगा, करुणा सागर कब करे कृपा की बरसात, मैं चातक सा देखता साईं नाथ की ओर, नभ में बादल का नहीं कहीं और या छोर, चूड़ा मणि हर कामना कर देती है पूर्ण, सत इच्छा मेरी मगर अब तक रही अपूर्ण, साईं ने माड़ के जाने सकल विचार, उत्तर देने के लिए की लीला साकार, ज्ञात कराया साईं ने निष्ठा है अनिवार्य, बिना निष्ठा बेकार है पारायण का कार्य, करो धर्म का आचरण नियमित रह कर रोज, निष्ठा की ही धूप से खिलता सुखद सरोज, आस्था हो यदि ग्रंथ में निष्ठा का हो योग, फलश्रुति का दिन साथ में मिल सकता संयोग। कभी ग्रंथ पोथी पढ़े देता कभी विसार, जीवन भर ना कर सके वह फल श्रुति साकार, निर्धारित जो पाठ है आवश्यक वह कार्य, पढ़ना निश्चित है उसे नियमितता अनिवार्य, बीच बीच में ना उठो अपना आसन डाल, कभी अधूरा ना रखो करो कभी ना टाल, बाधक निष्ठा की कमी हो जाए जब दूर, फलश्रुति के अवदान का अमृत मिले जरूर, सदगुरु संतों का सदा ऊंचा है स्थान, निज भक्तों का चाहते आध्यात्मिक उत्थान, निज भक्तों का चाहते आध्यात्मिक उत्थान।